गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे कल क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट है साइंस में लेसन थर्ड की एक्टिविटी सब हो चुकी थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन फर्स्ट आता है, व्हाट इज स्केलेटन, ठीक है, कंकाल क्या है। तो आंसर है इसका, द स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स विच गिव शेप टू आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट डेलिकेट इनर ऑर्गन्स सच अस द हार्ट एंड द लंग्स, ठीक है। जो स्केलेटन होता है वो एक हड्डियों से बना हुआ ढांचा होता है जो हमारे शरीर को आकार देता है, तथा हमारी बॉडी में हार्ट और लंग की रक्षा करता है, ठीक है। तो स्केलेटन में याद रखना कि यह एक हड्डियों से बना हुआ ढांचा होता है। द स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स विच गिव शेप टू अवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर को आकार देता है तथा हड्डियों से बना हुआ ढांचा होता है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, ठीक है, हमें शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट है स्कूल, स्कूल का मतलब खोपड़ी। स्कूल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी द प्रोटेक्ट द ब्रेन इन अडल्ट, जो खोपड़ी जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे कठोर भाग होता है हमारे शरीर का। इन एडल्ट ह्यूमन बींग स्कूल इज नॉर्मली मेड अप ऑफ 22 बोन्स, ठीक है। मानव शरीर में जो खोपड़ी जो होती है उसमें लगभग 22 बोन्स यानी कि लगभग 22 हड्डियाँ उसमें होती है मानव शरीर की खोपड़ी में, या मनुष्य की खोपड़ी में जो 22 हड्डियाँ होती हैं। ऑल द बोन्स इन द स्कूल आर फिक्स्ड, और जो मनुष्य की खोपड़ी है स्कूल है उसमें जितनी भी हड्डियाँ होती है यानी कि 22 वो सभी फिक्स्ड होती है, हिलती डुलती नहीं है। सेकेंड लिखना अपने को बैकबोन, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। देयर आर 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रा इन द बैक, ठीक है, यानी कि बैकबोन रीढ़ की हड्डी, यानी कि हमारे जो पीछे की जो हड्डी होती है उसमें 33 छोटी छोटी हड्डियाँ मिलाकर वर्टेब्रा बनाती है, यानी कि सांप के आकार की एक हड्डी बनाती है जिसे बैकबोन रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। विच आर जॉइंड टुगेदर टू फ्रॉम द बैकबोन, यानी कि ये सब जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती है ये रीढ़ की हड्डी कहलाती है या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं। द बैकबोन इज आल्सो कॉल्ड द स्पिन और द वर्टेब्रल, ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन। इसमें अपने को जो टू और वो दे रखे हैं वो नहीं करने अपने को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं, व्हाट आर जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या है, या जॉइंट्स को बोलेंगे कब्जे, कब्जे क्या है। आंसर, जॉइंट्स आर द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ टू बोन्स, ठीक है, जॉइंट्स जो है या कब्जे जो है वो हड्डियों के मिलने, हड्डियों के मिलने वाला एक मीटिंग पॉइंट है या हड्डियों के मिलने वाला एक बिंदु है। जॉइंट्स अलाउ यू टू मूव द बॉडी पार्ट्स इजीली, ठीक है, जॉइंट्स जो होते हैं या कब्जे जो होते हैं वो हमारे शरीर को या हमारे बॉडी के किसी भी भाग को आसानी से हिलने डुलने के लिए अलाउ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट आर मूवेबल एंड इन इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, मूवेबल और इमूवेबल जॉइंट्स क्या हैं। तो फर्स्ट आता है मूवेबल जॉइंट्स, आंसर है इसका, मूवेबल जॉइंट्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी बाय अलाउंग द बोन्स टू मूव, ठीक है। मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को अलाउ करते हैं हिलने डुलने के लिए, या हड्डियों को अलाउ, हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं उन्हें अलाउ करते हैं हिलने डुलने के लिए, या जो भी हमारे हाथ पांव में जो भी जॉइंट्स होते हैं ये मूवेबल जॉइंट्स आते हैं। सेकेंड, इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक, इमूवेबल जॉइंट्स, इन एन इमूवेबल जॉइंट्स बोन्स आर हेल्ड टाइटली टुगेदर, बोन्स ऑफ द स्कूल आर इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। इमूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, जो क्या करते हैं अपनी हड्डियों को हिलने डुलने की परमिशन नहीं देते हैं, वो होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स, जैसे कि बोन्स ऑफ द स्कूल आर इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, जो कि हमारी खोपड़ी में जो हड्डियाँ होती है वो सभी इमूवेबल जॉइंट्स होती हैं, यानी कि वो हिलती डुलती नहीं है, फिक्स्ड होती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इसमें भी एक्सप्लेन करना है अपने को। वन, फर्स्ट
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, बॉल और सॉकेट जॉइंट को बताना। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अलाउ द बोन्स टू मूव इजीली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, बॉल और जो सॉकेट जॉइंट होते हैं वो हड्डियों को सभी दिशा में घूमने की परमिशन देते हैं या अनुमति देते हैं। उसके बाद आते हैं अपन डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। वॉट आर मसल्स, मसल्स क्या है, या फिर मसल्स को बोलेंगे मांसपेशियाँ, मांसपेशियाँ क्या है? आंसर, मसल्स आर फ्लेशी टिश्यू विच आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स। जो मांसपेशियाँ होती है वो एक मांसल उत्तक होती है जो कि हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत होती है, जिसे हम टेंडन्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो जैसा मैंने लिखा है वैसे के वैसा ही लिखना है अपने को क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जो बुक में है उसके वो अपने को नहीं करना है, जैसा मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 वही करना है। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ मसल्स, नेम देम, ठीक है, यानी कि मसल्स जो है वो कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। तो इसका आंसर है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। जो मांसपेशियाँ होती है, मसल्स होती है, वो 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट वॉल्यूंट्री और स्केलेटल मसल्स, ठीक है, इसका मतलब होता है स्वैच्छिक या कंकाल की मांसपेशियाँ। नेक्स्ट सेकेंड आता है इनवॉल्यूंट्री और स्मूथ मसल्स, यानी कि इनवॉल्यूंट्री और स्मूथ मसल्स, इसका मतलब होता है अनैच्छिक और इसको स्मूथ को चिकनी भी बोल सकते हैं, यानी कि अनैच्छिक और चिकनी मांसपेशियां। थर्ड आता है कार्डिक मसल्स, यानी कि कार्डिक मसल्स का मतलब होता है हृदय की मांसपेशियां, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही करना है अपने को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना है, तो ये अपना लेसन जो है क्लास 5th में लेसन 3rd कंप्लीट होता है। एक बार और सारे फर्स्ट से क्वेश्चन देख लेंगे। ये फर्स्ट दिया है व्हाट इज स्केलेटन, क्वेश्चन नंबर 2nd, इसमें क्वेश्चन नंबर 2nd में याद रखना, क्वेश्चन नंबर 2nd में स्कूल डायग्राम बनाना है, इसमें इतना लिखने के बाद फेयर कॉपी में इतना लिखने के बाद इसमें इसका डायग्राम बनाना है। उसके बाद बैकबोन का भी डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3rd, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 5th, यह क्वेश्चन नंबर 6 और यह क्वेश्चन नंबर 7। फेयर कॉपी में सब अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना। थैंक यू।